वेलकम टू एजिन प्राइवेट लिमिटेड। आज का टॉपिक जो प्रीवियस क्लास में हमने अर्थमेटिक ऑपरेशन पढ़े थे उसी का प्रैक्टिकल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम लिखने से पहले आज हम सारे जितने भी वेरिएबल हैं वो हम ग्लोबल वेरिएबल्स में बनाएंगे। तो जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था, इफ़ ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी देन वाई वन इज ऑन। तो इसको प्रोग्राम लिखने के लिए हमें ए बी सी और वाई वन, इसी तरह से और भी हैं उनको भी लिखने के लिए ग्लोबल वेरिएबल में जाएंगे और यहाँ पर हम टैग क्रिएट कर लेंगे। अब हम अपने कुछ टैग बनाएंगे, जैसे सपोज जो इस प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल होने वाले टैग हैं वो हम बना लेते हैं। जैसे सपोज ए, ए एक इंटीजर टाइप टैग होगा, इसको बना लिया मैंने। और दूसरा टैग हम बना लेते हैं बी, ये भी इंटीजर टाइप है। इसके बाद हम एक तीसरा टैग सी, ये भी इंटीजर टाइप है। इसके बाद एक डी, ये हम पहले ही टैग बना सकते हैं, ई बना देते हैं, इसको हम पहले बना के छोड़ देते हैं, फिर हम प्रोग्राम बनाएंगे। प्रोग्राम में भी वहाँ से भी डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। आज हम प्रोग्राम वेरिएबल पहले ही बना लेते हैं, उसके बाद हम प्रोग्राम बनाएंगे। ये भी इंटीजर टाइप है, तो सारे टैग हम पहले बना लेते हैं। एफ जी, जी भी है एक, ये सारे हमने इंटीजर टैग पहले बना लिए। इतने टैग हमको चाहिए अपने जो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किए थे तीन एग्जांपल, उसमें इतने इंटीजर टैग चाहिए। उसके अलावा कुछ स्टोर करने के लिए हमें टेम्परेरी टैग भी चाहिए, जैसे कि एक्स वन, ये भी इंटीजर टैग रहेगा, इसको हम बना लेते हैं। और एक एक्स टू बना लेते हैं, ये भी इंटीजर टाइप रहेगा। एक एक्स थ्री बना लेते हैं, ये भी इंटीजर टाइप रहेगा। और इसके अलावा बाय वन बुल टाइप रहेगा, एक बाय वन लैंप रहेगा, एक बाय टू लैंप रहेगा, ये भी बुल टाइप रहेगा, और एक बाय थ्री, ये भी बोल टाइप है। तो इतने सारे टैग की हमें ज़रूरत पड़ेगी, हमको जो प्रीवियस क्लास हमने पढ़ी थी उसके लिए हमने सारे टैग बना लिए। कुछ इंटीजर टाइप हैं, कुछ बोल टाइप हैं। अब हम प्रोग्राम बनाएंगे। प्रोग्राम बनाने के लिए हम मेन प्रोग्राम में जाएंगे, यहाँ पर हम प्रोग्राम लिखेंगे। जैसे कि पहली कंडीशन थी, इफ़ ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी देन बाय वन इज ऑन। तो ए और बी दो इंटीजर टैग हैं और इसका एडिशन हम निकालेंगे, उसको हम स्टोर करेंगे एक एक्स वन टैग में। तो सबसे फटाफट इसको कर लेते हैं, एक इंस्ट्रक्शन ब्लॉक लेते हैं, इसमें हम सबसे पहले ए और बी का एडिशन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने टैग ऑलरेडी बना रखे हैं, ए टैग यहाँ पर डाल देंगे और बी टैग यहाँ पर डाल देंगे और एक्स वन में हम इसको स्टोर कर लेंगे। एक्स वन भी हमने बना रखा है, तो ये तो हमारा इसका रिजल्ट ए प्लस बी का एक्स वन में आ गया। अब हमें एक्स वन को कंपेयर करना है सी से, तो क्या करेंगे, एक बार यहाँ पर दूसरी रंग लेंगे और इसमें एक दूसरा इंस्ट्रक्शन ब्लॉक लेंगे और इसमें हम ग्रेटर देन कंपेरेटर ले लेंगे। अब यहाँ पर हमारा एक्स वन आ जाएगा जो कि हमने पहले से स्टोर कर रखा है एडिशन का, और यहाँ पर हमारी वैल्यू सी आ जाएगी। ये कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हमको
ये बाय वन लैम्प कनेक्ट करना होगा। यहाँ पर हमने बाय वन लैम्प कनेक्ट कर देंगे। टैग ऑलरेडी हमने बना रखे हैं, सेलेक्ट कर लिया। ओके, अब अगर हम अब हमारी दूसरी कंडीशन, ये हमारी पहली कंडीशन पूरी हो गई, दूसरी कंडीशन है उसको लिखने के लिए एक नई रंग लेंगे। और दूसरी कंडीशन जो है वो दूसरी कंडीशन हमारी है डी माइनस ई इक्वल टू एफ देन बाय टू इज ऑन। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम डी माइनस ई इसका डिफरेंस निकाल के एक्स टू में स्टोर करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक इंस्ट्रक्शन ब्लॉक लेंगे और इसके अंदर हम सब्ट्रैक्शन का अर्थमेटिक ऑपरेशन लेके इसमें हम डी टैग डालेंगे। डी यहाँ सेलेक्ट कर देंगे और ई यहाँ सेलेक्ट कर देंगे, टैग हमने ऑलरेडी बना रखे, और इसको हम एक्स टू में स्टोर कर लेंगे। एक बार एक्स टू में स्टोर हो जाने के बाद अब हम एक्स टू को कंपेयर करेंगे एफ के साथ। इसके लिए क्या करेंगे, एक रंग लेंगे, रंग में हम एक इंस्ट्रक्शन ब्लॉक लेंगे इक्वल टू का, ये इक्वल टू का एक्स टू का, और यहाँ पर हम एक्स टू को डाल देंगे और इसको हम कंपेयर करा देंगे एफ के साथ। एफ का हम यहाँ टैग डाल देंगे। अब जैसे ये इक्वल होगा तो वाई टू को हमें ऑन कराना है, तो वाई टू को ऑन कराने के लिए हमें एक डायरेक्ट कॉल लेंगे और यहाँ पर हम वाई टू कनेक्ट कर देंगे, टैग हमने ऑलरेडी बना रखे हैं। तो दूसरी कंडीशन भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम तीसरी कंडीशन कर लेते हैं। तीसरी कंडीशन लिखने के लिए सबसे पहले हम एक रंग लेंगे, यहाँ पर हम अपनी तीसरी कंडीशन को लिख लेते हैं। ये हमारी तीसरी कंडीशन है। अब इसको हमें लिखने के लिए क्या करेंगे, एक इंस्ट्रक्शन ब्लॉक लेंगे, इंस्ट्रक्शन ब्लॉक मल्टीप्लाई वाला ब्लॉक ले लेंगे और इसके अंदर हम जी और एच का रिजल्ट निकालेंगे। जी टैग हम यहाँ दे देंगे और एच टैग हम यहाँ पर दे देंगे, इसको हम एक्स थ्री में स्टोर कर लेंगे, एक्स थ्री। अब इसका रिजल्ट हमारे पास एक्स थ्री में आ गया। अब एक्स थ्री को कंपेयर करा देंगे आई से, तो एक हम नई रंग लेंगे, ये नई रंग आ गई। नई रंग में हम एक कंपैरेटर ब्लॉक लेंगे और इसमें हम लेस देन का कंपैरेटर सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसमें एक्स थ्री को आई से कंपेयर करा देंगे। अगर x3 की वैल्यू i से कम है तो y3 को ऑन करा देंगे। इस तरह से हमारी तीनों कंडीशन का लॉजिक डेवलप हो चुका है। पहली कंडीशन यहाँ पर हमने दो रंग में कंप्लीट कर ली और दूसरी कंडीशन भी हमने इस दो रंग में कंप्लीट कर ली और तीसरी कंडीशन हमने इस दो रंग में कंप्लीट कर ली, यानी कि तीनों कंडीशन हमने दो दो रंग में लिख ली है। तो लॉजिक कंप्लीट हो गया। अभी हमारा मेन प्रोग्राम तो बन गया लेकिन हमने आईओ मैपिंग अभी नहीं की है, तो सबसे पहले हम आईओ मैपिंग कर लेते हैं। एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लेंगे, इसमें हम बाय वन लैम्प का एड्रेस दे देंगे और आउटपुट में एक डायरेक्ट कॉइल लेंगे और इसको जीरो चैनल के डीओ पर कॉन्फिगर कर देंगे। ऐसे ही कॉपी और पेस्ट करके बाई टू को उसके अगले वाले चैनल पर कॉन्फिगर कर देंगे और फिर से एक बार कॉपी पेस्ट करके बाई थ्री को हम उसके नेक्स्ट वाले चैनल पर कॉन्फिगर कर। अभी ये हमारी आईओ मैपिंग भी हो गई और मैन पे प्रोग्राम भी बन गया। अब हम इस प्रोग्राम को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए माइक्रो 810 पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। प्रोग्राम डाउनलोड हो रहा है, अभी प्रोग्राम डाउनलोड हो गया है। अब हम मेन प्रोग्राम में जाएंगे। अब इसमें सब में 00 वैल्यू डली है, पहले हम कुछ वैल्यू इसकी डाल लेते हैं। इसको वैल्यू डालने के लिए हम यहीं से वेरिएबल मॉनिटरिंग में चले जाते हैं और
कुछ वैल्यू डाल देते हैं। मान लीजिए ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू कुछ 20 है, ये हमने बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू डाल दी। अभी हमारा पहली कंडीशन टेस्ट करते हैं, तो पहली कंडीशन पे हम फोकस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ए और बी, इसका एडिशन हम निकाल लेंगे एक्स वन में, तो ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, तो इसका एडिशन 30 हो गया, ये एक्स वन में आ गया, और ग्रेटर देन सी होगा तो ये बाय वन लैंप ऑन होगा। तो एक्स वन की वैल्यू हमारी 30 है, अगर 30 इज ग्रेटर देन सी, सी से ऊपर होगी तो बाय वन ऑन होगा। तो हमें इसके लिए टेस्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को, सी वैल्यू को 30 से कम होना पड़ेगा। तो मान लीजिए हमने इसको 29 कर दिया, सी की वैल्यू को हमने 29 कर दिया, जैसे ही हमने 29 किया ये बाय वन लैंप ऑन हो गया। यही हमारा एक्सप्रेशन था जिसको हमने यहाँ पर लिखा था। अब अगर हम सी की वैल्यू 29 की बजाय इसको हम 50 कर देते हैं तो ये बंद हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो ए प्लस बी की वैल्यू है वो सी से ज़्यादा नहीं है एज पर यहाँ कंडीशन लिखी हुई है इसके अकॉर्डिंग। तो हमने पहली कंडीशन टेस्ट कर ली, अब हम दूसरी कंडीशन पे आएंगे। दूसरी कंडीशन में हमारा डी माइनस ई इक्वल टू एफ देन वाई टू ऑन। डी माइनस ई माने डी की वैल्यू हमने 40 डाली है, ई की वैल्यू हमने 50 डाली है, तो ये माइनस 10 दिखा रहा है, इसकी वजह से ये ऑन नहीं है। जब तक ये दोनों की वैल्यू बराबर नहीं, यानी कि यहाँ पर 60 है तो 60 या तो एक्स टू की वैल्यू माइनस 10 बन गई, अगर 60 या तो आप एफ की वैल्यू माइनस 10 कर दें या फिर इसमें हम 110 डालेंगे, 110 डी की वैल्यू हम कर देंगे तो क्या होगा, 110 में e की वैल्यू हम जब घटाएंगे तो x2 की वैल्यू 60 हो जाएगी, और अगर f की वैल्यू x2 के बराबर हो जाएगी तो ये ऑन कर दे। अब अगर हम f की वैल्यू कुछ चेंज कर देते हैं, f की वैल्यू मान लीजिए हम 70 कर देते हैं तो फिर से ये बंद हो जाए। यानी कि हमने दूसरी कंडीशन टेस्ट कर ली कि ये जो डिफरेंस है d और e का, ये f के बराबर होगा तो y2 ऑन होगा। तीसरी कंडीशन चेक कर लेते हैं। तीसरी कंडीशन में है जी और एच का जो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है वो आई से लेस देन होना चाहिए। तो हमने इसमें दो वैल्यू डाली, 70 × 90, ये 6300 वैल्यू स्टोर होके आई, और हमारी आई की वैल्यू 100 है। अगर हम आई की वैल्यू 6300 से ऊपर कर दें, यानी कि अगर हम 6300 भी करेंगे तब भी यह बाय टू ऑन नहीं होगा, क्योंकि हमको इस वैल्यू से नीचे चाहिए, यानी कि एक्स थ्री की वैल्यू 63 से कम होनी चाहिए तब ये ऑन होगा। यानी कि मैं इसको 6400 कर देते हैं तो अब क्या होगा, एक्स थ्री की वैल्यू आई से कम हो गई, यानी कि ये 6400 63 से बड़ा हो गया तो इसने ऑन बाय थ्री को ऑन कर दिया। अब मान लीजिए मैं जी की वैल्यू 70 की जगह 10 कर देता हूँ और इसकी वैल्यू कुछ और कर देता हूँ, इसकी वैल्यू भी हम 10 कर देते हैं तो इसका रिजल्ट 100 हो गया। तो अभी भी ये ऑन रहेगी क्योंकि एक्स थ्री की वैल्यू आई से छोटी है। अब अगर हम एक बार इसकी वैल्यू 90 कर देते हैं तो ये बंद हो जाए, ये लैंप भी बंद हो गया। तो इस तरह की ये क्लास थी जो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था, उसकी हमने टेस्टिंग कर ली। तो आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम टाइमर्स पढ़ेंगे और टाइमर के साथ हम कुछ एग्जाम्पल लेकर के टाइमर को डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरी वीडियो का अलर्ट आपको टाइम से मिल सके। और अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।